बदल गई अयोध्या की तस्वीर। भव्य राम मंदिर, चौड़ी सड़कें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चमचमाती हुई सड़कों पर सफाई। अगर आप 6 साल बाद आ रहे हैं अयोध्या तो देखकर ये नजारा हो जाएंगे हैरान। अयोध्या में 30,000 करोड़ की परियोजना पर चल रहा है काम। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बने हैं 15 होटल, 35 और बनने की कवायद में। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ऐसी चमचमा जाएगी अयोध्या कि आंखें चौंधिया जाएंगी। हर एक राम भक्त खुशी से गदगद हो जाएगा। पूरे भारत का ऐसा टूरिज्म स्पॉट बनेगा जिसे हर राम भक्त एक ना एक बार जरूर देखना चाहेगा। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों के फोकस में अयोध्या है और इसी विश्व स्तर की धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए करीब 30,000 करोड़ के विविध प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या आए थे और इस दौरान उन्होंने सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले दिसंबर 2023 तक पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया और इससे निर्माण कार्य में तेजी आ गई। और इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी शुरू कराया गया जो अब पूरा होने जा रहा है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक दिसंबर 2023 में यहां से डोमेस्टिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी और इसके अलावा अयोध्या से अन्य प्रदेशों और नगरों की कनेक्टिविटी बनाने के प्लान पर भी काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से होकर लखनऊ तक चलती है और इसके अलावा करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें अयोध्या से होकर जाने वाली है। अयोध्या से रामेश्वरम के लिए भी ट्रेन चलाई जा रही है। राम मंदिर के निर्माण के साथ जिस तरीके से अयोध्या में देश भर के श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है उससे मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन को अनुमान है कि अगले 2 साल में रोजाना 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगेंगे। अब सारी कवायद बाहर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर चल रही है। करीब 32 होटल पर्यटन के लाइसेंस हासिल करने की लाइन में हैं और 15 के करीब बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके अलावा अन्य छोटे होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होम स्टे और धर्मशाले भी बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में एक और बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, नाम है ग्रीन सिटी। अयोध्या को जिसको सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के अवसर पर लॉन्च करेंगे। ये प्रोजेक्ट दुनिया यानी आधुनिक धार्मिक अयोध्या के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें मठ मंदिरों के साथ आवासीय भवन, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस संस्थान व देश विदेश के गेस्ट हाउस भी बनेंगे। यह योजना 1400 एकड़ भूखंड पर प्रस्तावित है। जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। जो लोग कई साल बाद अयोध्या आ रहे हैं उनको इसमें प्रवेश करते ही इसका बदला स्वरूप दिखाई दे रहा है। राम मंदिर को जोड़ने वाले राम पथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि 4 लेन की तरह चौड़ी हो गई है। अयोध्या में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम और मंदिर म्यूजियम भी बनने जा रहा है। अयोध्या के बाहर से जाने वाले टूरिज्म केवल रामलला और अयोध्या के मंदिर में दर्शक तक ही सीमित ना रह पाए, यहाँ कई दिनों तक रुकने का टूर भी पैकेज बनाए और इसे ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। वैसे बदलती हुई तस्वीर अयोध्या की विषय पर आपको क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहे जीटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।